बहुत सारे सदस्यों का सुझाव दो विषयों पर था। एक तो हेल्थ का बजट बढ़ाया जाए और दूसरा आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर कम किया जाए। मैं इस सुझाव का जहां स्वागत करता हूं, वहीं मैं यह भी बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार ने जो एक प्रोएक्टिव सरकार है, प्रो रिस्पॉन्सिव सरकार है, और इसीलिए 2014 से ही सभी विभागों की तरह स्वास्थ्य विभाग ने भी प्रोएक्टिव होकर के इस पर पूरी दृष्टि डाल करके बजट एलोकेशंस के बारे में चिंता की और चर्चा की है। मैं यहाँ अगर आपको बताना चाहूँगा कि बजट को हम लोगों ने किस तरीके से देखा, तो 2013-14 में बजट 33,278 करोड़ रुपए थे, आज वही बजट 90,958 करोड़ रुपए हो गया है। यानी हेल्थ को क्या प्रायोरिटी दी गई है, और ये एलोकेशन लगभग 164% 164% का इजाफा इंक्रीज हुआ है। यह अपने आप में बताता है कि हमने प्रायोरिटाइज करने में हेल्थ को कितना महत्वपूर्ण स्थान दिया है। उसी तरीके से जो 15th फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट आई है, उसमें भी लोकल गवर्नमेंट्स के तरफ से खर्च करने के लिए 70,051 करोड़ अलग से एलोकेट किए गए हैं, ताकि लोकल गवर्नमेंट्स भी अपने तरीके से हेल्थ के सेक्टर के इंफ्रास्ट्रक्चर में अपना योगदान कर सकें।